दिल कहता है कि मेरे अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचा। तुम देखना, बहुत जल्द कोई शहजादा आएगा तुम्हारे हाथ था। लड़की पे भरोसा करके उसे सुल्तान के रूम में कैसे भेज सकते हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि इस चीज का कितना बड़ा स्कैंडल बन सकता है? I can't believe कि सुल्तान उस थर्ड क्लास लड़की को मिलने पे राजी हो गया। उसकी जगह कोई गैरतमंद आदमी होता ना तो धक्के देके उसे बाहर निकाल देता। जो भी करना है मुझे करना पड़ेगा। पहले ही तुम्हारे मशवरे पे अमल करके मैंने वो वीडियो अपलोड कराई और डेड जमाने भर में चली गई। उस लड़की का तो कुछ बिगड़ा नहीं लेकिन हमारा नुकसान हो गया। मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी। वो मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। खबरदार जो तुमने एक लफ्ज भी झूठ का मुंह से निकाला तो तुम्हारी सारी बकवास मैंने सुन ली है। किस तरह तुमने अपने बाप को जिल्लत के गड़े में धकेला है। मैं डैड का बुरा नहीं चाहती थी। मैंने ये जाल तो सुल्तान की जान उस लड़की से छुड़ाने के लिए बिछाया था। तुम्हारे बिछाए हुए जाल ने पूरे खानदान को अपनी लपेट में ले लिया है। सुल्तान या उस लड़की का कुछ नहीं बिगड़ा लेकिन तुम्हारे बाप का सियासी कैरियर तबाह हो गया। और जब उन्हें पता चलेगा कि साजिश में उनकी बेटी इन्वॉल्व है तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। उन्हें अपनी सियासत सीट दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी है। वो उसी से मोहब्बत करते हैं, तुमसे भी नहीं। मुझे डैड की परवाह नहीं है। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ सुल्तान की परवाह है। अगर मैंने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए डैड का जरा सा नुकसान कर दिया तो क्या बुरा? जरा सा नुकसान? मुझे की हालत देखी है तुमने? क्या हासिल हुआ तुम्हें बताओ? सुल्तान मिल गया वो तुम्हें? बहुत जल्द मिल जाएगा। आपने देखा नहीं है उसकी नजरें डैड के सामने झुक चुकी हैं। उसके बाद मेरे से शादी करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो आपके पैरों में गिड़गिड़ा के मेरा रिश्ता लेगा। मॉम अब देखना तो सही। बड़ा एतमाद है ना खुद पर। तुम्हें पता है वो उस गरीब लड़की से शादी करना चाहता है और उसने उसको प्रपोज किया है। कैसी बातें कर रही हैं आप? वो क्यों ऐसा करेगा? मैं नहीं कह रही हूँ, तुम्हारी बीजान कह रही है। उनका अभी अभी फोन आया था। वो बता रही थी कि सुल्तान इस बार अपने फैसले पर डटा हुआ है। उसे किसी की परवाह नहीं, ना ही अपने मर्तबे की, ना ही नाम, ना ही इज्जत। उसने साफ लफ्जों में भी जान को कह दिया है कि मैं शादी करूंगा तो उसी नगीन से करूंगा। और बी जान ने उसके सामने हार मान ली है और वो अनकरीब सुल्तान का रिश्ता उस गरीब लड़की के घर लेकर जाने वाली है।
क्या मैं आपको तुम कहकर बुला सकता हूँ? अब रिंग पहना देने के बाद इतना तो हक बनता है ना मेरा कि अपनी होने वाली बीवी के साथ थोड़ा सा बेतकल्लुफ होकर बात कर सकूं। मेरी रिंग फेंक तो नहीं दी तुमने? जी नहीं, फेंकी तो नहीं, लेकिन हाँ मैं आपको वापस जरूर कर दूंगी। अरे क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ रिंग घर के बड़े पहनाया करते हैं। आप अपने घर वालों से कब बात करेंगे? आपको लगता है कि वो मान जाएंगे? मेरी फैमिली में बीजान के अलावा और कोई नहीं है। मैं बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात उनसे करवा दूंगा। मेरे पेरेंट्स की कई सालों पहले डेथ हो गई थी और मैं इकलौता हूँ, कोई बहन भाई भी नहीं है। और आपके चचा और उनकी फैमिली? उनके राजी होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद मुख्तार हूँ। लेकिन वो आपके सगे चचा हैं, मुझे लगता है कि आपको उनकी राय का एहतराम करना चाहिए। क्या सोचेंगे वो अगर आपने उनकी मर्जी के बगैर मुझसे शादी कर ली तो? अच्छा मुझे बताओ, इंसान शादी क्यों करता है? अपनी खुशी के लिए या दूसरों की खुशी के लिए? वो क्या सोचेंगे, लोग क्या कहते हैं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। पता जिंदगी हम दोनों ने गुजारनी है, इसलिए फैसला भी हम दोनों ही करेंगे। अच्छा नगीन, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या हम आज शाम मिल सकते हैं? आज शाम को? मगर क्यों, कहाँ? कहीं भी, किसी रेस्टोरेंट में या जहाँ तुम्हें मुनासिब लगे। लेकिन मेरा आपसे यूं शादी से पहले मिलना मुझे ठीक नहीं लगता, हमें थोड़ा मोहताज रहना चाहिए। नगीन, मोहताज होके जीना सुल्तान दुर्रानी ने नहीं सीखा है, और मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं सारी दुनिया के सामने तुमसे मिलूंगा और तुम्हारा हाथ थाम कर बोलूंगा कि ये मेरी होने वाली बीवी है।